बहुत कीमती है। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि दुनिया के मोस्टर तरीन लोगों की सात आदत। बल्कि टॉपिक नहीं है, किताब है। इसको लिखने वाला जो गुरु है वो है सेफिनार कोवी। सेफिनार कोवी ने मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ जगह पर दुनिया के टॉप लोगों पर रिसर्च की कि वो ऐसी कौन सी कामयाबी है, वो ऐसी कौन सी इंसान के अंदर हैबिट है जो उसको सक्सेसफुल बनाती है, कामयाब बनाती है और रिचेस्ट पर्सन बनाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सेफिनार कोवी ने मुख्तलिफ वक्त पर दुनिया के टॉप मैनेजमेंट गुरु पे, दुनिया के टॉप मैनेजमेंट रिसर्चर पर रिसर्च करी कि इनमें कौन सी ऐसी हैबिट है जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं, तो ये एक रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, इनमें से क्या खास बात है, क्या खास आदत है। तो मेरे मुताबिक ये आदत सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है और इनको अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर आप में कुछ अच्छी आदत है तो आपकी कामयाबी की तरफ कोई नहीं रोक सकता, कामयाबी की तरफ जाने के लिए। तो फर्स्ट इज दैट बी प्रोएक्टिव। हाईली इफेक्टिव पीपल बिफोर स्टार्ट वर्क 10 टू 15 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन मस्ट बी डू, यानी कि काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन हासिल कर रहे होते हैं, उस काम को जहन में विजुलाइज कर रहे होते हैं, उस काम की जहन पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यानी कल का जो काम है वो आज से ही शुरू कर देते हैं, आज से ही प्रैक्टिस करना उसको शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि भाई कल मैंने आज प्रैक्टिस की है, कल मैं मैदान में खेलने जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ बॉल आएगी, मुझे सिक्स ही करना है। तो फर्स्ट हैबिट इज दैट बी प्रोएक्टिव। सेकंड हैबिट इज दैट विन-विन। हाईली इफेक्टिव पीपल चूज एनी वर्क विन-विन वर्क। फॉर इंस्टेंस ही थिंकिंग इज दैट जो भी वो काम करते हैं वो ऐसा काम जिसमें उनका भी फायदा हो रहा हो और सामने वाले का भी फायदा हो रहा हो। वो ऐसा काम कभी भी नहीं करते। आजकल के जो लोग तो ऐसे काम करते हैं ना, तो मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले का भले काम हो जाए। तो ऐसे काम, ऐसी थिंकिंग, यानी कि आपने जो भी कोई काम करना है उसमें ऐसा सोचना है कि आपका तो फायदा हो वो उसमें, लेकिन आपके साथ साथ सामने वाले का भी फायदा हो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्री एफेक्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाईली इफेक्टिव पीपल थिंकिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ डू फर्स्ट, यानी कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में क्या है। सबसे पहले आप वो कर रहे हैं ताकि आपको वो उठाई नहीं, आपको परेशान ना करे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं आपकी जिंदगी के अंदर वो लाजमी आप कर लें। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्री हैबिट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुडे राइट नाउ सो हाउ टू गेट सक्सेस इन फ्यूचर। अगर आप आज रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, कोई भी काम ले लेंगे, अगर आप समझते में जिम्मेदार नहीं हो तो आप उसको डायरेक्टेड मेरे से लिखवा लें कि आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जो शख्स जिम्मेदारी उठाता है वो बड़े छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, जो शख्स अपनी जिम्मेदारी उठाता है, जो जिम्मेदारी से घबराता नहीं है, कोई भी मसला आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेगा, उसको जैसे वो फेस करेगा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको सक्सेस लाजमी दिलवाएगा। इफ यू आर नॉट डेवलप योर वर्क, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी नहीं लेके आ रहे तो आप कैसे सक्सेस हासिल करेंगे। उसको रेगुलर बुनियाद पर आपने जो है उसमें बेहतरी लेके आनी है, उसको रोजाना बेहतर से बेहतर करते जाना है। अगर दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे, आपको बोले आप पागल हो, जिसने जहाज बनाया उसने बोला मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी, लोहे की होगी, तो उसको सबने क्या बोला होगा, कभी पागल है तू।
वो मतलब जिसने हेलीकॉप्टर में उसको मतलब मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो हवाओं में उड़ेगा, उसको बोलो उसको पागल है तू। जब आपको लोग बोलने लगे कि आप पागल हो तो आप समझ लो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पर हो अगर आपको लोग पागल बोलने लगे। तो डोंट से एनीथिंग अदर पर्सन, सो दैट सिनर्जी, सिक्स हैबिट इज दैट सिनर्जी। सिनर्जी मीन कलेक्टिव ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत सारी लोगों की जब एनर्जी मिलती है तो वो जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं सिनर्जी। सो हाउ टू गेट एनर्जी इन योर लाइफ, इट इज वेरी इजीली। यू हैव बियर पीपल बिहेवियर, यू हैव बियर स्टूडेंट बिहेवियर, यू हैव बियर फैमिली बिहेवियर, यू हैव बियर हस्बैंड बिहेवियर, यू हैव बियर वाइफ बिहेवियर। अगर आप सिनर्जी हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो सिनर्जी को हासिल करने के लिए आपके अंदर इतना बर्दाश्त होना चाहिए लोगों का, लोगों को बर्दाश्त करने का हिम्मत होना चाहिए, स्टूडेंट को बर्दाश्त करने को हिम्मत होना चाहिए, एक टीम बनाना आनी चाहिए आपको। जब तक आप वो टीम नहीं बनाएंगे और इतना सबर आपके अंदर इतना सबर होना चाहिए कि जब आप कोई काम स्टार्ट करो तो आपके अंदर इतना सबर होना चाहिए उस काम के ऑनर भी तुम हो, उस काम के सुपरवाइजर भी तुम हो, उस काम के तुम स्वीपर भी तुम हो। अपनी शर्ट उतार के उस जगह को सफाई करना पड़ेगी। कभी भी ये सोचना कल को जब आप बोलो अपने मुंह को ताला लगा लो, जब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जब कोई बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, इतना सबर अपने अंदर आप पैदा कर ले कि जब आप उस बात का जवाब ना दे, आप बोले कि मैं जवाब नहीं दूंगा, इस कायनात का मालिक जवाब देगा कि मैंने कितना सबर किया है इस मुकाम तक हासिल करने के लिए।